रूस का ऑपरेशन नेस्तनाबूद यूक्रेन पर कहां पड़ा भारी। डोनेस्क का मोखरी डैम तबाह होने से यूक्रेन को कितना नुकसान और रूस के टॉप मिलिट्री जनरल को यूक्रेन की किलर ब्रिगेड ने कैसे किया ढेर। विनाशकारी जंग से जुड़ी बड़ी खबरों के लिए देखिए रूस वर्सेस यूक्रेन टॉप 9। साउथ डोनेस्क में यूक्रेन के काउंटर ऑफेंसिव को बड़ा झटका लगा है। यूक्रेनियन आर्मी के सबसे मजबूत सैन्य बेस को रूस की ड्रोन फ्लीट ने तहस नहस कर दिया। ड्रोन ने पहले यूक्रेन की सैन्य बेस की लोकेशन ट्रेस की और फिर भीषण धमाकों से सैन्य बेस को ध्वस्त कर दिया। काखोवका डैम के तबाह होने के बाद यूक्रेन का एक और डैम तबाह हो गया। यूक्रेन ने रूस पर डोनेस्क के मोखरी डैम पर हमले करने का आरोप लगाया। डैम के तबाह होने से यूक्रेन को भारी नुकसान हुआ। कहा जा रहा है कि यूक्रेन के काउंटर ऑफेंसिव को नाकाम करने के लिए मोखरी डैम पर हमला किया गया। यूक्रेन के खिलाफ जंग में रूस के एक और जनरल की मौत हो गई। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक रूसी फौज की 35वीं फील्ड के आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ मेजर जनरल सरगई गोर्याचेव की यूक्रेनी मिसाइल अटैक में मौत हो गई। अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट में दावा किया गया कि जंग में अब तक रूस के कम से कम 8 जनरल मारे गए हैं। डोनेस्क के अवदिवका के पास चल रही जंग के बीच यूक्रेनी फौज की एक पूरी पलटन ने रूसी सेना के सामने सरेंडर कर दिया। ये दावा रूसी फौज ने किया। रूसी दावे के मुताबिक यूक्रेनी कमांडर ने अपने सैनिकों को बचाने के लिए रूसी फौज की यूनिट से संपर्क किया था। सरेंडर करने से पहले हुई फायरिंग में कई यूक्रेनी जवान घायल भी हुए। जंग के बीच यूक्रेन ने दावा किया कि उसने रूस के कब्जे वाले कई इलाकों को वापस अपने कंट्रोल में ले लिया। यूक्रेन की उपरक्षा मंत्री ने दावा किया कि बीते एक हफ्ते में उनकी फौज ने रूसी कब्जे वाले 7 इलाकों को वापस ले लिया जिसमें लोबकोवो, लेवाडने और मकारिवका भी शामिल हैं। यहां अब यूक्रेनी झंडा लहरा दिया गया। डोनेस्क के आसपास रूसी कब्जे वाले इलाकों को वापस लेने के दौरान यूक्रेनी फौज ने 7 रूसी सेना के जवानों को भी बंधक बना लिया। यूक्रेन के हमले के दौरान रूसी जवान पूरी तरह से घिर गए थे। निस्कुचने गांव को आजाद कराने के दौरान यूक्रेन ने रूस के 7 जवानों को यूक्रेन ने बंधक बना लिया। मॉस्को और बेलगोरोद में यूक्रेन के हमले पर रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने कहा कि यूक्रेनी रिहायशी इलाकों पर हमले कर रहा है जो उनकी समझ से परे है। ऐसे हमलों से यूक्रेन का कोई मिलिट्री टारगेट पूरा नहीं होने वाला। पुतिन ने ये बातें अपने करीबियों और रूसी अधिकारियों के बीच कही। रूस ने निप्रो के एक रिवीरेह रायन इलाके में बड़ा हमला बोला। मध्य यूक्रेन के इस शहर में रूस की ओर से किए गए मिसाइल हमले में रिहायशी इलाकों की कई इमारतों को भारी नुकसान पहुंचा। यूक्रेन ने कहा कि रूस के इस हमले में 2 नागरिकों की मौत हुई जबकि 13 लोग घायल हैं। निप्रो के एक रिवीरेह रायन इलाके में मिसाइल हमले के बाद तबाही के बाद जेलेंस्की ने रूस को एक बार फिर आतंकी करार दिया। जेलेंस्की ने कहा रूस ने रिहायशी इलाकों को निशाना बनाकर अक्षम्य अपराध किया है। उन्होंने कहा रूस ऐसे हमलों से यूक्रेन को रोक नहीं पाएगा। रूस को उसकी दागी हर मिसाइल के लिए जवाबदेह ठहराया जाएगा।